वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन जोन। जैसे कि हम लोग पिछले 10 साल के मैकेनिकल पेपर एनालिसिस करके एसएससी जेईई 2020 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज के वीडियो में भी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, बॉयलर रेटिंग इज यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। बॉयलर रेटिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बॉयलर रेटिंग होता है हीटिंग कैपेसिटी ऑफ स्टीम बॉयलर, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्रेस कर, इसको लिख सकते हैं हम BTU पर आवर लिख सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं BTU पर आवर लिख सकते हैं इसको, और इसको डिफाइन कर सकते हैं हॉर्स पावर से, ठीक है, और इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टीम आउटपुट इन केजी पर आवर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हीट लॉस इन ए बॉयलर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इसका आंसर है डी। क्यों? क्योंकि बॉयलर में हीट लॉस होता है, किस किस वजह से होता है? एक होता है हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्ल्यू गैस, ड्राई फ्ल्यू गैस के वजह से होता है, ठीक है। दूसरा होता है ड्यू टू स्ट्रीम इन फ्ल्यू गैस, ड्यू टू स्ट्रीम इन फ्ल्यू गैस, स्ट्रीम इन फ्ल्यू गैस, ठीक है। तीसरा होता है ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल, ठीक है, मॉइस्चर इन फ्यूल। एंड फोर्थ होता है हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर। एंड फिफ्थ होता है हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन एंड अदर अनअकाउंटेड लॉसेस, ठीक है। तो ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बिटवीन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, कितना होता है? इसका आंसर होता है डी, 60-85% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनोमाइजर इज यूज्ड फॉर, इकोनोमाइजर किस लिए यूज होता है? बेसिकली इकोनोमाइजर यूज होता है प्री हीटिंग ऑफ द फीड वाटर, ठीक है, प्री हीटिंग ऑफ द फीड वाटर। इकोनोमाइजर की क्या किस लिए यूज होता है? फीड वाटर को हीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इन्वोल्यूट प्रोफाइल इज यूज्ड इन, इन्वोल्यूट प्रोफाइल कहाँ यूज होता है? इन्वोल्यूट प्रोफाइल इज यूज्ड इन गियर्स, गियर्स में सभी जानते हैं इन्वोल्यूट प्रोफाइल का यूज होता है, जो कि बेस सर्कल में वो टच करता है, ठीक है। तो इन्वोल्यूट प्रोफाइल यूज इन गियर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, द चेन इज कॉल्ड, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है मैकेनिज्म, ठीक है, इसका आंसर है मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टनेल गवर्नर कुड बी क्लासिफाइड एज, इसका आंसर है सेंट्रिफ्यूगल, सेंट्रिफ्यूगल टाइप गवर्नर होता है, ठीक है। सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर जो होता है, सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, पेंडुलम टाइप एंड लोडेड टाइप। पेंडुलम टाइप में क्या होता है? वाट गवर्नर आता है, एंड लोडेड टाइप में क्या आता है? डेड वाट गवर्नर एंड स्प्रिंग गवर्नर, ठीक है। डेड वाट टाइप में पोटर एंड रॉयल गवर्नर आता है, एंड स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में हार्टनेल, पिकरिंग, ये सब गवर्नर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश गियर ट्रेन इज यूज टू कनेक्ट मिनट हैंड टू आवर हैंड इन ए क्लॉक मैकेनिज्म, ठीक है। तो आंसर क्या होता है? रिवर्टेड गवर्नर, रिवर्टेड गियर ट्रेन, ठीक है, रिवर्टेड गवर्नर, रिवर्टेड गियर ट्रेन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि मेनली क्लॉक जो मैकेनिज्म होता है उसमें रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज होता है, ठीक है। और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बेसिकली मैं बता देता हूँ, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन यूज होता है लेथ मशीन में, यूज होता है डिफरेंशियल इन ऑटोमोबाइल में, यूज होता है, ठीक है, पुली ब्लॉक्स में यूज होता है, रिस्ट वॉच में यूज होता है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन रिस्ट वॉच में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए आइडियल मशीन द आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट इज, आइडियल मशीन में क्या होता है? 100% एफिशिएंसी रहता है, तो आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू 1 रहता है, तो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील इज टू, तो फ्लाईव्हील का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फ्लाईव्हील कब यूज होता है? When the supply of energy is more than the requirement, and release कब होता है? During the period when the requirement of energy is more than the supply, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या है, बी, स्मूथ आउट पावर इंपल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए कौन सा लॉ इज नॉट एप्लीकेबल है? ठीक है, इसका आंसर है बी, द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। बिकॉज सभी जानते हैं हम, इसका एक फॉर्मूला आता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, तो टी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल, रूट एल, तो ये प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो ये गलत है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल गियर फिटेड ऑन रियर एक्सल ऑफ ऑटोमोबाइल इज, इसका आंसर क्या है, टू रोटेट द बैक व्हील्स एट डिफरेंट स्पीड ड्यूरिंग टर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा। ठीक है, ये एक्चुअली ये पैलर में दिया हुआ है। ठीक है, तो पैलर में हमें सब पता है कि पैलर में होता है K1 प्लस K2 होता है। ठीक है, दोनों है, इसलिए K+K इज इक्वल टू 2K। ठीक है, तो आंसर है 2K C। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल नॉट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसका वेट है, इसका आंसर है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर बॉडी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, P, 3P, 2P and 5P act along the side taken in the order of square, the magnitude of resultant. बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं, P, 3P, 2P and 5P। ठीक है, हमें क्या चाहिए, summation of fx चाहिए and summation of fy चाहिए। ठीक है, summation of fx क्या होगा, इसका summation of fx होगा, कुछ भी ले सकते हो आप, 3p माइनस 5p ले सकते हो, या आप उल्टा भी ले सकते हो, अगर इसको प्लस ले रहे हो, इसको माइनस ले रहे हो, तो इसको प्लस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है माइनस 2p। ठीक है, और इसका कितना आता है, इसका भी ऐसे ही सिमिलर, कोई भी प्लस माइनस ले सकते हो, मैंने ऐसे दिया है p माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस p। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx होल स्क्वायर समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा का रूट है, इज इक्वल टू आंसर क्या होगा इसका, रूट 5p, तो आंसर है p। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस इज यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ। ठीक है, इसका आंसर है c, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ ये बोलता है, स्टेट्स दैट If a number of concurrent forces acting on a particle are represent in magnitude and direction by the side of polygon takes in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by closing side of the polygon and taking in the opposite order. ठीक है, तो इसलिए coplanar and concurrent forces. Next question आते हैं, a mass of 10 kg is resting on a rough table, the friction force required just to make the block move. ठीक है, तो इसका आंसर है D. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे coefficient of friction नहीं दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम without coefficient of friction सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a weight W hangs by string. ठीक है, it pushes aside by a horizontal force until the string makes an angle 30 degree with the vertical. The tension in the string is. ठीक है, तो ये डायग्राम है, इस वॉल के साथ ये वेट जुड़ा हुआ है, इस टेंशन के टेंशन टी के साथ। ठीक है, 30 डिग्री एंगल किया है वर्टिकल वर्टिकल के साथ, जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो हम इस टी टेंशन का दो कंपोनेंट ले सकते हैं, इस साइड होगा टी cos 30 एंड इस साइड क्या होगा टी sin 30, तो हमें इक्वल करना है, तो टी cos 30 इज इक्वल टू W आएगा टी इंटू रूट 3 बाई टू
इज इक्वल टू क्या होता है डब्लू, और टी का वैल्यू होता है 2W/√3। आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इक्वल्स इंटीग्रेशन पी डीवी फॉर, आंसर है नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, नॉन फ्लो प्रोसेस में क्या होता है बता देता हूँ थोड़ा सा। नॉन फ्लो प्रोसेस में क्या होता है इंटीग्रेशन पी डीवी होता है, ठीक है, एंड जो फ्लो प्रोसेस होता है, जो फ्लो प्रोसेस होता है उसमें होता है माइनस ऑफ वी डीपी होता है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर है डी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से होता है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या आता है मास आता है, वॉल्यूम आता है, एनर्जी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस्ड टू हाफ देन। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, क्यों, तो ये ग्राफ है पीवी का ग्राफ है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to lambda। ठीक है, और ये होता है n is equal to infinity। सेम इस साइड भी होता है। ठीक है, इस साइड भी n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to lambda, n is equal to infinity। ठीक है, compressing the gas through the adiabatic process will require more work to done। ठीक है, adiabatic according to which law all perfect gases change in volume by 1/273 of their volume at 0 degree centigrade for every 1 degree change in temperature when pressure remains constant। ठीक है, इसका आंसर है चार्लिस लॉ। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर है चार्लिस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ Cp/Cv फॉर द गैस इज। ठीक है, Cp/Cv का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 3/2। मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो हमें पता है PvT का रिलेशनशिप पता है हमें, P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 होल पावर गामा इज इक्वल टू होता है T1/T2 होल पावर γ/γ-1। ठीक है, यहाँ से हम इसका एंड इसका रिलेशन ले तो ऐसा आएगा Pt/γ-1/γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो P इज इक्वल टू होता है T/γ/γ-1। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या हुआ है P/T³। तो इसका वैल्यू हो गया γ/γ-1 = 3। तो यहाँ से गामा का वैल्यू हो गया 3/2, और हमें ये पता है Cp/Cv = γ होता है, तो γ = 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है ए कॉन्सेंट्रिक लोड P acts upon a simply supported beam L at a distance L/4 from the left side, the bending moment at the point application of load given by। डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो RA plus RB is equal to P होता है। ठीक है, और summation of MA is equal to 0 होता है। तो यहाँ से RA का वैल्यू आता है 3P/4। तो RA का वैल्यू आ गया 3P/4, और RB का वैल्यू क्या आता है RB = P/4। इसका हम SFD और BMD अगर बनाए तो इसका SFD आएगा
ऐसे इसका सब डी आएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये है 3p/4 l/4 डिस्टेंस पर, बाकी ये p/4 है, ठीक है। इसका अगर BMD बनाया जाए, BMD का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3p/4 इंटू l/4 कितना आता है, 3pl/16 3pl/16 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बार हेल्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स विल बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस इफ इट इज, इसका आंसर है कूल्ड, ठीक है। तो ये था आज का 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो लोग SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड प्लीज मुझे कमेंट करके ये बताना इस वीडियो में और क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्रिपरेशन जोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो।